बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ये अंडे के उल्टे पुल्टे। गाइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। आप लोगों ने बेसन के उल्टे पुल्टे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज आप लोग भी अंडे के उल्टे पुल्टे ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, 3 अदद प्याज ली है, इनको जो है मैंने पीस लिया है, 1/2 कप ये दही है और इसको मैंने फेंट लिया है। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 2 टीस्पून। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम जो है इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज ऐड करने के बाद गाइस मैं इसी में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से मिला लूंगी इसके साथ। और अब जो हमने सारे मसाले निकाल के रखे हैं वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि प्याज के साथ मसाले वगैरह अच्छे से पक जाएं। ये देखिए गाइस, मैंने जो है सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इसको इसी तरह हम चलाते हुए 1 मिनट पका लेंगे और 1 मिनट पकाने के बाद फिर हम जो है इसमें पानी ऐड करेंगे गाइस। और फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, आप हाई नहीं करिएगा ताकि ये जले नहीं। ये देखिए, इसको मैंने जो है 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और अब मैं इसमें जो है 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी कवर लगाकर, ताकि प्याज जो है अच्छे से पक जाए और मसालों का और प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। तो चलिए गाइस, अब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने जो है 5 अदद अंडे लिए हैं और 1 बाउल लिया है। अब हम एक एक अंडे को जो है कटोरी में तोड़ते रहेंगे और बाउल में डालते रहेंगे गाइस। एक एक ही आप लोग भी तोड़िएगा ताकि जो अगर कोई अंडा खराब निकलेगा तो बाकी के अंडे जो है उससे खराब ना हो जाए। ये देखिए, मैं जो है इसी तरह इसको एक एक कटोरी में तोड़ती रहूंगी और बाउल में डालती रहूंगी। 5ों अंडे जो है मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, ये देखिए। और नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ नमक। और ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे गाइस। ये देखिए, इसको जो है हम पहले ही फेंट कर इस तरह से रख लेंगे ताकि जो नमक वगैरह है अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाए। और इसको मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये जो है बस ऑप्शनल है, ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड करा है। धनिया ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे गाइस। तो चलिए, जब तक हम अपना मसाला देख लेते हैं। ये देखिए, मसाले का लुक जो है किस तरह का हो गया है। अभी इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। इसी तरह हम कवर लगाकर इसको भूनते रहेंगे 2 से 3 दफ़ा इसी तरह चलाते हुए। गाइस, कवर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें से जो है बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रही थी, क्योंकि जब हम प्याज को पीस कर मसाला बनाते हैं तो उससे बहुत छींटे उड़ती हैं। अब मैंने जो है इसमें दही ऐड कर दी है। इसको भी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे और इसी में जो है थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर देंगे। दही के कटोरी में ही इसमें डालेंगे हम पानी और इसमें ऐड कर देंगे ताकि दही जो है वो ज़ाया ना हो। और पानी भी हम इसमें शामिल कर दें गाइस। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी इसमें ऐड करा है और अब मैं दोबारा से इस पर कवर लगा कर रख दूंगी। ये देखिए, इसको पकते हुए जो है 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और ये है कसूरी मेथी। गाइस, मैंने जो है कसूरी मेथी को पहले ही भिगो दिया था ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। आप लोग भी कसूरी मेथी को हमेशा भिगो कर ही अपने सालनों में ऐड करिएगा, नहीं तो इसमें जो है काफ़ी मिट्टी होती है तो आपका सालन जो है ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए, इसको अच्छे से हम जो है इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे और भूनने के बाद मैं इस पर दोबारा से कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, जब तक जो है इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप मीडियम ही फ्लेम रखिएगा गाइस, हाई नहीं करिएगा। ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। आपको दिख रहा होगा कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाले में दाना बन गया है। इसका मतलब है हमारा मसाला जो है भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी 1.5 गिलास। आप जो है अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है अभी और अब मैंने इसमें 1/2 गिलास और पानी ऐड कर दिया है। इसको कवर लगाकर मैं इसको अच्छे से पका लूंगी। तकरीबन 3 मिनट हम इसको इसी तरह जो है बॉईल कर लेंगे ताकि पानी और मसाला अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद अब मैं इसको जो है
बंद कर दूंगी चूल्हे को और दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्राई पैन जो है रख दिया है चूल्हे पे, फ्लेम बिल्कुल लो रखी है। और अब हमने जो अंडे फेंट के रखे थे उसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे गाइस। और पकाने के बाद जब ये थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ये नीचे से पक गया है तो हम इसको पलटेंगे, अभी नहीं इसको बिल्कुल भी हम टच करेंगे। ये देख सकते हैं फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए आप लोग ये जो है पकना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा ताकि जो है बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। ये देखिए मैं किस तरह जो है इसको एहतियात से एक के ऊपर एक पलट रही हूँ और जब ये एक साइड से पक जाएगा तो इसको दूसरी साइड से हम पलट देंगे और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे गाइस स्लाइस में। और कट करने के बाद हम इसको फौरन ही जो है हमने शोरबा बना के रखा है उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें फौरन कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। अब दोबारा से हम फ्राई पैन को चूल्हे पे रख देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसी तरह जो है अंडे के उल्टे पुल्टे बना लेंगे। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, अगर आपने ये एक दफ़ा ये सालन बना लिया तो आप मछली के सालन को भी भूल जाएंगे, ये बिल्कुल मछली के सालन के जैसा ही बनता है। ये देखिए इसको मैंने पलट दिया है और अब हमने जो है इसको दोनों चमचों की मदद से जो है इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है ये, इस तरह कट करके मैं इसको जो है ऐड कर दूंगी, सब मैं इसी तरह जो है बना लूंगी। आप देख सकते हैं इसी तरह बनाकर हम जो है इसको पलटते रहेंगे और इसको कट कर शोरबे में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे जो है सारे उल्टे पुल्टे तैयार हो गए हैं, मैंने सब शोरबे में ऐड कर दिए। अब मैं इसको एक मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूंगी गाइस, तो दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से अंडे के उल्टे पुल्टे का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है गाइस। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छे थे, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।